जय हिंद दोस्तों, करियर एक्शन सेंटर में आपका स्वागत है। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और 2025 में अच्छे रिजल्ट लाने की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। तो आज का हम इस वीडियो में देखेंगे बहुपद का 2.1 और 2.2। इस वीडियो में हम 2.1 को और 2.2 को कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कुछ स्पेशल बात 2.1 को समझने से पहले। तो 2.1 समझने से पहले आप लोग को कुछ थोड़ा सा थ्योरी जानना चाहिए, जो कि आप लोग को पीछे दिख रहा होगा। ये आप लोग को थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि यदि आप लोग ये थ्योरी नहीं जानिएगा तो आप लोग को 2.1 नहीं आप लोग से बन सकता है। तो आप लोग ध्यान से रखिएगा ये सभी थ्योरी, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सर, क्वेश्चन समझने से पहले आप लोग को थ्योरी समझाते हैं हम लोग, और आप लोग वीडियो को कंटिन्यू करते रहिएगा। फुल एनर्जी के साथ आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चलिए, तो आप लोग का सबसे पहला थ्योरी कि एक घातीय बहुपद का आलेख एक सरल रेखा में होती है। क्या होती है जो? तो आप लोग सरल रेखा में होती है, ठीक है। जैसे कि आप लोग का उदाहरण भी दिख रहा होगा, जैसे देखिए ये जो है सरल रेखा में, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं हम लोग कि रेखा किसे बोलते हैं। रेखा हम लोग किसे बोलते हैं तो बताइएगा आप लोग। तो आप लोग बोलिएगा बिंदुओं को, समूह को हम लोग रेखा बोलते हैं। बिंदुओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं कि रेखा कहाँ तक अंत होती है? तो आप लोग बोलिएगा ये बात किसी को नहीं पता है, रेखा अंत नहीं होती है, ठीक है। यदि रेखा अंत वाले, जैसे कि 5 सेंटीमीटर का रेखा बनाना है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का रेखा बनाना है, तो देखिए आप लोग को जैसे नाप लीजिएगा, उसके बाद 5 सेंटीमीटर यहां से इसके बाद स्टॉप कर दीजिएगा, तो ये हो गया रेखाखंड, ठीक है जी, ये हो गया रेखाखंड। और यदि आप ये वाला नहीं रोकते हैं तो आप लोग को ये हो गया रेखा, ठीक है। ये दोनों तरफ से बढ़ सकता है, यहां भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। तो आप लोग को यदि 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर का रेखा बनाना हो, तो आप लोग जितना 5 सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर नाप के उसके बाद आप लोग को दोनों तरफ स्टॉप लगा देना है कि इतना तक ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आप लोग का फर्स्ट थ्योरी है कि एक घातीय बहुपद का आलेख एक सरल रेखा में होती है। सरल रेखा बोले तो सीधी रेखा में होती है, ठीक है। चलिए, सीधी रेखा में होती है तो देखिए यहाँ पे भी सीधी रेखा में है, ठीक है, यहाँ पे भी सीधी रेखा में है, उसके बाद यहाँ भी सीधी रेखा में है। तो ये हो गया आप लोग को एक घातीय बहुपद, ठीक है जी, एक घातीय बहुपद। ऐसे तो आप लोग को एक घातीय बहुपद इस तरह से भी आप लोग को 2.2 में वो वाला पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि 2x, 4x, 8x ये सभी जो है एक घातीय बहुपद है, ठीक है। ये सभी जो है आप लोग को एक घातीय बहुपद है। आगे चलकर हम बात करते चलेंगे एक एक करके। जिस तरह से आप लोग को क्वेश्चन मिलता रहेगा उस तरह से आप लोग को थ्योरी भी मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए जी, अब दूसरा नंबर थ्योरी कि किसी द्विघातीय बहुपद का आलेख उद्धतमुखी या अधोमुखी या परवलय होता है, ठीक है जी। जैसे देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट आप लोग का एग्जाम्पल है, उसके बाद आप लोग को ये सेकेंड एग्जाम्पल है। तो ये है आप लोग को द्विघातीय बहुपद का उदाहरण, ठीक है। द्विघातीय बहुपद उदाहरण समझने में आप लोग को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो बताइए, अब बताइए आप लोग कि घातीय बहुपद और द्विघातीय बहुपद को पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यदि आप लोग को अभी भी दिक्कत होगा तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। आगे चल के तो आप लोग ध्यान में देखते रहिएगा। यदि देखिए परवलय है, परवलय रहेगा तो द्विघातीय होगा, और सरल रेखा में होगा तो हो जाएगा एक घातीय बहुपद। बताइए आप लोग को यहां तक समझने में कोई दिक्कत? तो आप लोग बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं है भैया, ठीक है जी। चलिए जी, आगे चलते हैं। तो अब बात करते हैं, हम लोग को क्वेश्चन देखना है, क्या देखना। तो 2.1 में जितना भी क्वेश्चन है सभी के सभी इसी पे आधारित है, ठीक है। तो आप लोग को चलिए अब 2.1 कंप्लीट करते हैं हम लोग। तो आप लोग को क्वेश्चन जब तक ये सभी नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आप लोग को ये बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाते हैं। चलिए, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया, मतलब ये सभी जो है ग्राफ में, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांक की संख्या, शून्यांक की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, तो अब हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। तो बात करते, बहुत सारे लोग को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। तो हम साफ साफ ये क्वेश्चन में लिखा गया है कि जितना बार x पे ग्राफ टच किया है, ये वाला ये सभी जो है ना कि x पे टच किया वही आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो बोल रहे हो क्या सही बात है? तो हाँ सही बात है ये वाला।
कि आप लोग गिन लीजिए कि यक्ष पे कितना बार टच किया वही आप लोग का आंसर हो जाएगा। तब तो बहुत आराम है, क्या बताइए इसमें कितना बार यक्ष पे टच किया है, बताइए आप लोग जल्दी से। तो बोलिएगा कि ये तो यक्ष पे टच नहीं किया, भाई पे टच किया है, तो बताइए इसका कोई शून्यंक नहीं होगा। क्या होगा जी? तो कोई शून्यंक नहीं होगा। तो आप लोग आंसर मिलाइए, कोई शून्यंक नहीं होगा, नहीं होगा। बात आपको समझ में आ रहा होगा अब कि अच्छा, तो अब बताइए आप लोग जी कि दूसरा नंबर में यक्ष पे कितना बार टच किया है। तो आप लोग बोलिएगा कि अच्छा यहां से तो आया है एक बार यहां पे टच किया है, तो अच्छा देखते हैं ये वाला लाइन बाई हो गया, ये वाला लाइन बाई हो गया, तो अच्छा हमें बाई नहीं चाहिए, हमें यक्ष चाहिए। तो मैं अच्छा यहाँ पे आया, यहाँ पे एक बार टच किया, कितना बार किया मुन्ना? तो आप लोग बोलिएगा एक बार, ठीक है जी। तो इसका शून्यंक हो जाएगा कितना? तो एक हो जाएगा, ठीक है, शून्यंक हो जाएगा एक। चलिए जी आगे चलते, बताइए कि तीसरा नंबर क्वेश्चन में कि कितना बार टच किया है यक्ष पे, बताइए आप लोग। तो आप लोग देखिएगा ये वाला, इसको पकड़िए, उसके बाद यहाँ पे आइए, यहाँ पे एक बार, यानी देखिए फिर अच्छा यक्ष पे है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे टच किया, तो देखिए ये यक्ष है या बाई है, तो बोलेगा ये बाई है, तो बाई से तो हमें मतलब नहीं है। तो आप लोग नंबरिंग कर दे एक, उसके बाद यहाँ पे आइए घूरते घूरते, उसके बाद यहाँ पे देखिए यक्ष है तो यक्ष है, तो उसके बाद दो, उसके बाद यहाँ पे आइए, यहाँ पे टच किया है तीन, देखिए यक्ष है तो यक्ष है, तीन हो जाएगा। तो आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा शून्यंक तीन। क्या हो जाएगा जी? तो शून्यंक हो जाएगा इसका आंसर जी तीन। चलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा जी, ठीक है जी। चलिए तीसरा चौथा नंबर क्वेश्चन पर चलते, बताइए आप लोग कि कितना बार टच किया यक्ष पे। तो चलिए इसको हम उठाते हैं, उसके बाद अच्छा एक बार यहाँ पे टच किया, तो देख लेते हैं हम लोग यक्ष पे है या बाई पे। तो आप लोग बोलिए, बोलिएगा कि यक्ष पे है, तो चलिए यक्ष पे एक नंबरिंग कर देते हैं। उसके बाद फिर से रिटर्न आते हैं यहाँ पे, देखिए यक्ष पे यहाँ पे टच किया है, तो देखिए यहाँ पे टच यक्ष पे है क्या या बाई पे। तो आप लोग बोलिएगा कि यक्ष पे किया, तो ये नंबरिंग हो जाएगा दो। तो आपका आंसर हो जाएगा शून्यंक कितना होगा? तो आप लोग बोलिएगा दो होगा, ठीक है जी। शून्यंक कितना होगा? तो आप लोग बोलिएगा दो होगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताइए आप लोग। तो समझ में, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए जी आगे चलते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन, बताइए इसमें यक्ष बार कितना टच किया है। तो आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे पकड़ना है अंतिम या शुरू में, मतलब यहाँ से पकड़िए या यहाँ से पकड़िए, दोनों में जहां से अंतिम हुआ वहां से ही आप लोग पकड़िएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से आते, चलिए देखिए यहाँ पे वह टच किया, तो देखिए यक्ष है या बाई है, तो आप लोग बोलेगा यक्ष है, तो यक्ष पे लिखिए एक। उसके बाद यहाँ से रिटर्न आया, यहाँ पे टच किया, देखिए यक्ष है या बाई है, तो बोलेगा यक्ष है, तो आप लोग नंबरिंग दे दीजिएगा दो। उसके बाद यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे टच किया है, बाई है या यक्ष है, तो आप लोग बोलेगा बाई है, तो इसको नहीं लेना है। आगे ऊपर चलते हैं, बताइए आप लोग यक्ष पे टच किया है या बाई पे, तो बोलेगा सर यक्ष पे टच किया है, तो इसका नंबरिंग कर देते हैं तीन, तीन हो जाता है। उसके बाद ऊपर चलते हैं, उसके बाद रिटर्न आते हैं, तो क्या टच किया है फोर पे, तो आप लोग बोलेगा जी जी यक्ष पे टच किया है, तो ये हो जाएगा नंबरिंग फोर। तो इसका शून्यंक क्या हो जाएगा जी? तो शून्यंक हो जाएगा फोर, ठीक है जी। शून्यंक क्या होगा? तो फोर हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए अंतिम, इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है भी, तो बताइए आप लोग यक्ष कितना बार टच किया। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से पकड़िए इसको, यहाँ पे मिलते हैं, मिलाते हैं एक बार, तो देखिए यक्ष पे मिला है, तो बोलिएगा नंबरिंग कर दीजिए एक। उसके बाद रिटर्न आया है, रिटर्न आया है, तो दो हो जाएगा यहाँ पे यक्ष पे ही। उसके बाद क्या ये होगा तीन, तो बोलेगा नहीं ये बाई पे है, तो बाई की हमें जरूरत नहीं है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं। उसके बाद आइए यहाँ पे, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा तीन, नंबरिंग हो गया तीन, तो आपका आंसर तीन होगा जी। शून्यंक क्या हो जाएगा? शून्यंक तीन हो जाएगा। बताइए आप लोग को क्या 2.1 में समझने में किसी को भी कोई दिक्कत है? तो बोलेगा किन्हीं को भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा जी। तो चलिए आप लोग हम चलते हैं 2.2 पे। तो आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि यक्ष स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यक्ष स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखिए ये वाला सबसे पहले आप लोग सॉल्व करने से पहले इसका कुछ नियम जान लेते हैं, ठीक है। 2x माइनस 8, देखिए आपका ये इनका नियम जो होता है कि ऐसा संख्या मानना है, ऐसा संख्या मानना है कि जोड़े या घटाएं तो इतना आना चाहिए, मतलब कि जोड़ या घटाव करने पे आना चाहिए कितना, दो, और उसके बाद गुना करें वही संख्या को जो माने हैं तो आपका गुना करने पे आना चाहिए आठ। ऐसा कौन सा संख्या होगा बताइए आप लोग, कौन सा संख्या होगा? तो आप लोग बोलिएगा
कि ये तो होता है चार और दो से गुना करेंगे तो चार दुनी आठ होता है, घटाएंगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा दो। तो आपका सही ये वाला नियम लगेगा, तो आप लोग को लगाइएगा x स्क्वायर माइनस फोर एक्स, ये वाला माइनस है ठीक है। अब बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं ना, तो आप लोग घटा रहे हैं तो यहाँ पे प्लस कीजिएगा ना, जैसे प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यदि आप लोग यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस करिएगा तो प्लस माइनस माइनस होगा। अब बात करते हैं 2x माइनस 8, ठीक है। चलिए यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा जी, ठीक है, थोड़ा सा ब्राइटनेस हम लो करते हैं। चलिए जी आगे चलते हैं हम लोग, चलिए बताइए आप लोग। तो अब देखिए बात करना है कि कॉमा लेना है, तो यहाँ पे देखिए यक्स निकालेंगे यदि, तो यक्स ये दे देगा, जैसे दो यक्स स्क्वायर इसके पास, मान लो कि यक्स यक्स दो यक्स है, तो दो यक्स में एक यक्स हम निकालेंगे तो आपका बचेगा कितना यक्स, तो आप बोलेगा वन यक्स बच ही जाएगा। तो देखिए यहाँ पे यक्स निकालेंगे, उसके बाद ये बन जाएगा फोर, ये बन जाएगा क्या, तो फोर बन जाएगा ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस टू निकालेंगे हम लोग, प्लस टू निकालेंगे यदि, प्लस टू निकालेंगे तो ये बन जाएगा यक्स माइनस फोर, प्लस माइनस माइनस होता है तो चार दुनी आठ होता है, तो ये दो चौक आठ हो जाएगा, तो यक्स माइनस फोर। देखिए अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा, अब बात करते हैं जी कि देखिए दोनों, ये दोनों बराबर आना चाहिए, यदि आपका ये दोनों बराबर है तब तो आपका बना हुआ जो बना है सही बना है, नहीं तो आप लोग का यथार्थ गलत बन जाएगा। तो देखिए हमारा ये दोनों सही है तो आपका आंसर अब होगा यक्स प्लस दो, एक समीकरण यहाँ पे ये वाला बन जाएगा यक्स प्लस दो और एक तो बन जाएगा यक्स माइनस फोर। यदि आप लोग ये दोनों को गुना करिएगा तो आपका आंसर ये मिल जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस टू यक्स माइनस एट, ठीक है। अच्छा चलिए हम लोग देख ही लेते कि इसका करने से क्या गुना सही किए हैं हम लोग या गलत किए हैं। तो चलिए देखिए यक्स प्लस दो और यक्स माइनस फोर, ठीक है जी। चलिए दोनों को गुना करते हैं, तो एक ठोक हम रोकते हैं, उसके बाद एक ठोक हम चालू रखते हैं। तो चलिए हम लोग इसको हम रोकते रहे यक्स माइनस फोर, उसके बाद प्लस दो से हम लोग गुना कर सकते हैं ये वाला, तो ये बन जाएगा यक्स माइनस फोर, ठीक है जी। गुना करिए तो यक्स गुने यक्स हो जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस फोर यक्स प्लस टू यक्स, कितना हो जाएगा टू यक्स और माइनस एट, टू यक्स तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यक्स स्क्वायर माइनस टू यक्स माइनस एट। क्या आप लोग का यही समीकरण था, क्या आप लोग को यही समीकरण था, तो जी बोलिएगा आप लोग का देखिए यही समीकरण था यक्स स्क्वायर माइनस टू यक्स माइनस एट, यानी कि जो हम किए हैं ये हमारा सही है, ये हमारा जो हम गुना किए हैं ये हमारा सही था, ठीक है जी। चलिए तो आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन समझने में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, चलिए तो आप लोग नोट कीजिए और सेकेंड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन है फोर एस प्लस वन। देखिए ये समीकरण में काफी ध्यान देना है ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे देखिए ये जो आगे इसमें गुना कर दीजिए अंतिम वाला में, तो ये हो जाएगा फोर, तो ऐसा संख्या मानना है कि गुना करे तो आना चाहिए फोर और जोड़े या घटाएं तो आपका आंसर आना चाहिए चार। कौन सा संख्या होगा जी, फिर से सुनिए कि ऐसा संख्या मानना है कि गुना करने पे चार आना चाहिए, गुना करने पे चार आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पे आपका आंसर आना चाहिए चार। बताइए आप लोग कौन सा होगा, तो आप लोग बोलिएगा कि चार, दो दुनी चार दो संख्या होगा और दो जोड़ेंगे तो भी आप लोग का चार बनेगा, तो क्या सही है, तो जी बोलिएगा आप लोग को सही है सर, सही है ये बात, ठीक है। तो चलिए फोर एस स्क्वायर अब निकालते हैं हम लोग, फोर एस स्क्वायर माइनस टू एस प्लस वन। अब देखिए यहाँ पे चीज में थोड़ा सा गड़बड़ होता है ज्यादातर, तो हम लोग देख सकते हैं कि क्या जोड़े हैं या घटाएं हैं, तो हम तो बोले कि जोड़े ना हमें टू एस तो ना होगा फोर एस, तो बोलेगा जी ये तो बात सही है। अब देखिए टू एस जोड़ेंगे तो क्या हम सही नहीं दिए, यहाँ पे प्लस देना चाहिए, तो बोलेगा नहीं, यदि हम यहाँ पे प्लस देंगे तो घटाना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, हम बचपन में ही पढ़े थे ये बात,
और हमें आप लोग बुड़बक नहीं बना सकते हैं। चलिए जी, तो 4s² - 2s - 2s, ये यानी कि आपका ये समीकरण जो है सही बना हुआ है। चलिए जी, तो अब निकालते हैं हम लोग। जैसे देखिए 4s² है और 2s है, एक समीकरण यहाँ पे, एक समीकरण यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4s² यानी हम 2s² 2s निकालेंगे, मतलब 2s निकालेंगे तो ये दोनों दे देगा, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे बचेगा 4 × 2 = 4 होता है, यानी कि 4 में से 2 चला गया तो बचेगा 2s, ठीक है जी। 2s - 1, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा यहाँ जी, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग -1 ले लेंगे, उसके बाद देखिए 2s, बताइए प्लस माइनस क्या होता है जी। तो प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है जी, तो बोलेगा जी जी ये सेम है, तो आप लोग को आंसर मिलेगा 2s - 1, उसके बाद 2s - 1, 2s - 1। तो अब इसका बन जाएगा s = 1/2 और s = 1/2, ये दोनों आपका आंसर हो गया। तो बोलिएगा यहाँ पे हम लिख देते हैं, आपका आंसर हो जाएगा 1/2, यहाँ पे समझिए साइड में 2s - 1 = क्या होगा, 0 हमें यस का मान निकालना है, तो 2s = 1 होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो उधर जाएगा प्लस में बन जाएगा, बॉर्डर के उस पार जाएगा तो बन जाएगा प्लस में। जैसे अभी आप हिंदुस्तान में, यदि बॉर्डर के पार करिएगा तो क्या बन जाएगा, पाकिस्तान में, ठीक है। यदि पाकिस्तान वाला आदमी आ गया हिंदुस्तान वाला बॉर्डर पार करके तो हो गया हिंदुस्तान, ठीक है, यदि बॉर्डर पे डिपेंड करता है, ठीक है जी, किधर का बॉर्डर आप लोग पार किए हैं। चलिए, तो वही इधर जो है माइनस में है, ठीक है, इधर जो है माइनस में है, और इसको हम बॉर्डर के पार कर देते हैं तो किस में बदल जाता है, तो प्लस में बदल जाता है, ठीक है जी, प्लस में बदल जाता है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अच्छा, बोल रहे होंगे बहुत सारे कि प्लस नहीं लिखे, हमको बुड़बक बना रहे हैं, तो नहीं, ये बात नहीं है। प्लस किसी, जैसे कि 2 लिखे, इसके आगे प्लस छिपा हुआ है, 5 लिखे, इसके आगे प्लस छिपा हुआ है, आपको समझ में आया। तो जी, क्यों हम बार बार इतना चौक खत्म करें, और आप लोग अपना कॉपी खत्म करिए, कॉपी प्लस पेन खत्म करिए, तो आपका गलत बात होगा या नहीं, तो बोलेगा जी ये गलत बात होगा। तो अब बताइए यस बराबर क्या होगा जी। तो देखिए इधर है गुना में, इधर क्या है तो गुना में है, तो उधर जाएगा तो भागा में होगा कि नहीं होगा, तो बोलेगा जी भागा में तो होना पड़ेगा, तो बोलिएगा 1/2 यस बराबर 1/2, और इसी तरह से आप लोग नेक्स्ट वाला को सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 आएगा, 1/2। बताइए यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा और ना ही होना चाहिए। चलिए जी, अब बात करते हैं एक नंबर क्वेश्चन में। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये तो आंसर नहीं दे रहे हैं, मतलब ये आंसर आपका नहीं है, आप गलत पढ़ा दिए। तो देखिए x+2 जो है, x+2 = 0 है, ठीक है। तो देख बताइए, अभी हम बताएं x - 2 लिखे, किनको किनको समझ में नहीं आया हाथ खड़ा कीजिए, किनको किनको समझ में नहीं आया बताइए आप लोग। तो बोलेगा ये तो हमेशा हमें समझ में नहीं आया, बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो आप लोग ऐसा क्वेश्चन देखते ही आप लोग ध्यान रखना है, यदि हम हिंदुस्तान में बॉर्डर के पार करेंगे पाकिस्तान बन जाएंगे, पाकिस्तानी, ठीक है जी। तो देखिए x = -x + 2 था, तो हम बॉर्डर को उस पार लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस में, तो आपका आंसर हो जाएगा x = -2, और एक तो बन जाएगा x - 4 है जो x + 4 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा जी। चलिए, ये दो क्वेश्चन समझने में किसी को भी कोई दिक्कत है तो बोलिए, किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं कि हमें ये दिक्कत है, बताइए आप लोग। आपका कमेंट हमारा बहुत इंतजार रहता है, ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेट मिलता है। जैसे कि आपका घर में किसी चीफ गेस्ट का इंतजार रहता है, उसी तरह आपका कमेंट हमें, आपके हमारे लिए चीफ गेस्ट के रूप में होता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि हम किस तरह से पढ़ाते हैं। चलिए जी, आगे चलते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, अब आपका क्वेश्चन बनाने में, एक नंबर क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, और इतना आराम से हम समझाएं कि आप लोग को समझने में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो आप लोग कर लीजिएगा एक नंबर क्वेश्चन, यस या नो,
तो आप लोग बोलिएगा यस कर लेंगे, क्योंकि हम लोग को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कौन बोले थे? दशरथ मांझी, जो कि बिहार के रहने वाले थे। तो हम लोग भी बिहारी हैं, एक बिहारी सौ पे भारी। ठीक है, तो चलिए आप लोग एक नंबर में जितना भी क्वेश्चन है आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा नहीं हुआ तो नहीं हुआ यदि कोई क्वेश्चन, तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कीजिए। वहां पे आप लोग अपना क्वेश्चन का फोटो भेजिए और आप लोग को 5 से 10 मिनट में आप लोग का आंसर मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जाकर जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, वहां से आप लोग को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो आप लोग वहां से भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, तो चलिए तो अब हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन शुरू होता है जी। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन समझने से पहले आप लोग को कुछ फार्मूला जानना बहुत जरूरी है, जो कि आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसे कि 4x² - 8x + 14 जो भी हो। चलिए तो बात करते हैं, आप बताइए अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा आप लोग पहचानते होंगे, अल्फा ये होता है, बीटा ये होता है, गामा ये होता है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। चलिए आप लोग जिनको पता नहीं है तो आप लोग लिख सकते हैं अल्फा बीटा गामा। चलिए तो अब बात करते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं हम लोग ए। ठीक है, और ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं बी, और इसे बोलते हैं हम लोग सी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं। तो आप लोग का फार्मूला होता है जी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। चलिए कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा जी। चलिए जी आगे चलते हैं। तो ए बराबर हमारा क्या हुआ? तो ए बराबर 4 होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बी बराबर -8 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सी बराबर क्या होगा? 14 होगा। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? तो -b/a, यानी कि -8 माइनस माइनस प्लस में बन जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस बन के खत्म हो गया 8/4, कोई दिक्कत। तो ये हो जाएगा 2, आपका आंसर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 होगा। ऐसे तो और बहुत पढ़ना है, द्विघात समीकरण में ये सभी पढ़ना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण में। चलिए अब देखते हैं हम लोग सी बटा ए, सी हमारा कितना है? तो 14 आया, और ए कितना आया? तो ए 4 आया, तो 14/4 ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, आपका आंसर हो जाएगा 7/2 अल्फा इंटू बीटा 7/2। चलिए अब बात करते हैं जी कि आपका एक फार्मूला होता है जो कि द्विघात बहुपद का होता है। द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है x² - α+β इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट भी पूछ देता है और नहीं तो आप लोग को गला यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये फार्मूला, एक नंबर वाला में भी क्वेश्चन रहता है। ठीक है जी, चलिए जी तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जी कि 1/4। सबसे पहले आप लोग चौथा नंबर क्वेश्चन को देखिए, एक एक है। ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर भी एक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर एक, और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी एक है। ठीक है, तो चलिए हम यही फार्मूला पे रखते हैं, x² - α+β है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है? तो एक है, तो 1x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? तो एक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर एक हो जाएगा। आपका चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर मिल गया जी। कोई दिक्कत है बताइए? तो आप बोलेगा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा, गर्दा मारेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन को देखिए, -1/4 यहाँ पे आप लोग का है माइनस अल्फा प्लस, ये सेकंड कई नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है, पांचवा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए जी आगे चलते हैं। ये सभी आप लोग लिख लिए होंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 1 - 1/4 है जी, -1/4 है, उसके बाद 1/4 है। ठीक है जी, चलिए तो बात करते हैं आगे चल के हम।
बताइए ये फर्स्ट वाला जो है अल्फा प्लस बीटा है, क्या ये वाला अल्फा प्लस बीटा है और ये वाला क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है। तो देखिए हमें जरूरत क्या क्या है, तो सबसे पहले x स्क्वायर तो आपको लिखना है जी, तो आप लोग लिख दीजिए जी। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा अल्फा माइनस बीटा, सॉरी ये वाला अल्फा प्लस बीटा क्या अपना है हमारा, तो ये आ गया माइनस, मतलब ये वन बटा फोर, तो माइनस माइनस मिलकर क्या बनता है बताइए आप लोग। तो आप लोग बोलेगा कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, उसके बाद एक बटा चार हो गया, उसके बाद क्या होगा एक बटा चार एक्स प्लस एक बटा चार, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा जी, ठीक है जी। तो हम लोग गुना भी कर सकते हैं इसको, तो इसका लिख सकते हैं हम लोग फोर एक्स स्क्वायर, इसका समीकरण बनेगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये आपका समीकरण बनेगा, ठीक है जी, ये आपका समीकरण बन जाएगा। चलिए आगे कोई दिक्कत आप लोग को होना नहीं चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, कि आपका चार और एक है, चार और एक है, छठा क्वेश्चन है, चार और एक है, तो अल्फा प्लस बीटा चार है, अल्फा इंटू बीटा एक है, तो हमें जरूरत है एक्स स्क्वायर, उसके बाद कितना होता है फॉर्मूला, तो आप लोग बोलेगा माइनस होता है, उसके बाद फोर एक्स बन जाएगा ये वाला, उसके बाद प्लस में होता है वन हो जाएगा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा वन हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, तो आप लोग को ये 2.2 भी आप लोग को कंप्लीट हो गया है। तो यदि अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम लोग फुल एनर्जी के साथ वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आप लोग का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है जी, कि एक्स स्क्वायर माइनस दो से यदि भाग करते हैं तो एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री से, तो भागफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा ऐसा ऐसा क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान से वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग ध्यान तक रखते हैं इसके, ये वाला क्वेश्चन डील करने से पहले आप लोग को यदि ये फार्मूला याद है तब तो आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत ही बारीकी से याद हो याद रहेगा और भी समझ में भी आएगा। तो आप लोग बोल रहे हो कौन सा फार्मूला है, तो आप लोग का फार्मूला होता है जी पेपर पावर यम गुने बीपर पेपर पावर यन, ए पर पावर यम गुने ए पर पावर यन बराबर होता है ए पर पावर यम प्लस यन, यम प्लस यन। तो क्या आप लोग सोच रहे होंगे कि एक फार्मूला से आप लोग का 2.3 जो है कंप्लीट हो जाएगा, तो जी हाँ, आप लोग को यदि ये फार्मूला ध्यान रखते हैं तो आप लोग को 2.3 समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आप लोग को यदि ये वाला फार्मूला याद रखिएगा, ध्यान से आप लोग स्टार मार लीजिएगा, ये वाला फार्मूला याद रखिएगा, हर हाल में रखना ही पड़ेगा। तो देखिए यदि आप लोग को x स्क्वायर माइनस टू से भाग करना है तो देखिए x बार में यदि लगाएंगे तो जिसका पावर कुछ नहीं होता है तो उसका पावर एक होता है, ये आप लोग को पता होगा। तो आप लोग देखिए यहाँ पे एक दे देते हैं, तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि x स्क्वायर गुने x पर पावर वन, तो देखिए यही वाला फॉर्मूला आप लोग को मिला कि नहीं मिला, तो आप लोग बोलिएगा जी मिला, ए पावर इसका है अलग, इसका पावर है अलग, तो यम इसका है यन इसका है, तो दोनों को पावर ऐड करते हैं, ठीक है, यानी कि ऐड करते हैं तो हो जाता है यहाँ पे यक्स क्यू, ठीक है जी, यक्स क्यू हो जाएगा। तो चलिए अब आप लोग का क्वेश्चन डील हो गया, तो यक्स बार में लगाएंगे तो आप लोग को बन जाएगा ये यक्स क्यू, उसके बाद ये बनेगा टू यक्स माइनस टू यक्स होगा, यदि हम इससे इसमें गुना करेंगे तो आप लोग को बनेगा माइनस टू यक्स, ठीक है जी, माइनस टू एक्स। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, तो किन्हीं को भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है जी। चलिए देखिए अब अगला चरण में हम लोग को क्या करना है, कि यहाँ पे यदि प्लस जो संख्या का आगे कुछ नहीं कोई चिन्ह ना रहे तो होता है प्लस में, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आप लोग माइनस कीजिए, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस कीजिए, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जी आगे काम करते हैं हम लोग, ये एक्स क्यू और एक्स क्यू से खत्म होगा, आप लोग ये जानते होंगे ये माइनस तीन और प्लस तीन दोनों में खत्म हो जाता है, यानी कि कट जाता है, यानी विभाजित हो जाता है, ठीक है जी। चलिए यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब हमारे पास क्या बचा, तो देखिए ये वाला तो हमें लिखना ही जरूरी है, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, उसके बाद बताइए प्लस प्लस क्या होता है, बताइए आप लोग प्लस प्लस क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा प्लस प्लस होता है प्लस, प्लस प्लस होता है प्लस, तो हो जाएगा सेवन एक्स माइनस थ्री, सेवन एक्स माइनस थ्री। चलिए यहां तक किसी के वो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जी अब यहां तक नहीं दिक्कत है, तो अब बताइए कितना बार में लगेगा,
अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि यदि ये वाला चीज प्लस रहेगा तो यहाँ पे प्लस देना है, यदि यहाँ पे माइनस रहा तो यहाँ पे माइनस देना है। तो हमारे पास क्या है बताइए आप लोग, तो आप लोग बोलिएगा कि हमारे पास जो है माइनस है, तो आप लोग यहाँ पे माइनस दीजिए, ठीक है जी, यहाँ पे माइनस दीजिए। उसके बाद आप लोग को कितना बार में लगाना है, तो आप लोग बोलेगा तीन बार में लगाना है, कितना बार में, तीन बार में लगाएंगे यदि, तो गुना करेंगे ये बन जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या होता है माइनस माइनस क्या होता है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस होगा तो दो तिहाई छह होता है, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे अब हमें यहां से मतलब है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। अब थ्री एक्स स्क्वायर से थ्री एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर से थ्री एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस लग जाएगा ना, हाँ, उसके बाद ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। उसके बाद बच जाएगा ये प्लस सेवन एक्स माइनस नौ, माइनस नौ आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेवन एक्स, सेवन एक्स माइनस नौ आपका शेषफल हो गया, एक्स माइनस तीन आपका हो गया, क्या हो गया, तो आप लोग बोलिएगा ये भागफल हो गया। तो आप लोग आंसर यदि मिलाना चाहते तो आप लोग आंसर जरूर मिलाइएगा। उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, जब तक आप लोग ये वाला नोट कर लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, चलिए जी। तो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि x स्क्वायर प्लस x माइनस वन से भाग करना है, तो x पर पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव से भाग करना है, तो आप लोग को क्या आएगा बताइए आप लोग। तो आप लोग बताइए कितना बार में लगाइएगा, तो आप लोग बोलिएगा कि हम लगाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को चमक रहा होगा, ठीक है, आप लोग को चमक रहा होगा। चलिए आप लोग को चमक रहा होगा, नहीं चमक रहा होगा। अब देखिए हम लोग लगाते हैं, यदि एक्स स्क्वायर बार में, एक्स स्क्वायर बार में लगाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स पर पावर फोर, एक्स पर पावर फोर प्लस ये कितना बन जाएगा, तो हो जाएगा एक्स थ्री एक्स क्यू, यहाँ पे एक्स क्यू हो जाएगा एक्स पर पावर थ्री। उसके बाद कितना बनेगा, तो आप लोग बोलिएगा यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आया या नहीं आया, तो आप लोग बोलिएगा समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। चलिए जी आगे चलते हैं, चलिए आपका आगे क्वेश्चन है कि इतना तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस करना है, प्लस है तो माइनस करना है, माइनस करना है तो प्लस करना है, ठीक है, लेकिन हमें इसका मतलब जरूरत नहीं है अभी एक्स क्यू का। तो चलिए ये दोनों खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर उसके बाद एक्स स्क्वायर कितना होगा बताइए आप लोग, कितना होगा आप लोग उम्मीद करके बताइए आप लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे ये वाला प्लस होगा तो ये माइनस होगा, ठीक है। अब बताइए माइनस माइनस प्लस होगा, तो आप लोग को बन जाएगा ये फोर एक्स स्क्वायर, फोर एक्स प्लस फोर एक्स माइनस फाइव, माइनस फाइव। उसके बाद ये बन जाएगा माइनस एक्स क्यू, कितना बनेगा ये, तो माइनस एक्स क्यू, ठीक है, एक्स क्यू, एक्स क्यू माइनस फोर एक्स स्क्वायर, उसके बाद फोर एक्स माइनस फाइव। ये आप लोग को इतना तक समझ में आया या नहीं आया, तो आप लोग बोलिएगा कि जी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बताइए कितना बार में लगाइएगा, तो आप लोग बोलिएगा प्लस में लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, ठीक है, कुछ नहीं है तो प्लस है, तो आप लगाएंगे एक्स बार में, ठीक है जी, एक्स बार में लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यू, उसके बाद प्लस 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 होता है तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद बताइए आप लोग को क्या होगा, तो आप लोग बोलिएगा एक्स क्यू, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स क्यू माइनस फोर एक्स प्लस फोर एक्स, यही आप लोग का क्वेश्चन था, तो आप लोग बोलिएगा एक्स क्यू माइनस, यहाँ पे प्लस 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 माइनस माइनस होता है एक्स क्यू, उसके बाद आता है गुना करिए, उसके बाद आता है माइनस एक्स, प्लस माइनस माइनस एक्स, ठीक है जी। चलिए आगे करते हैं, प्लस यहाँ पे तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है, उसके बाद क्या होगा, तो प्लस कर यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, ये वाला प्लस होगा, प्लस माइनस उसके बाद, ठीक है। चलिए यहां तक आप लोगों को किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, तो इससे एक्स क्यू से एक्स क्यू खत्म हो जाएगा। उसके बाद होगा कि ये घटाना हम लोग को प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये बन जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस में थ्री एक्स स्क्वायर होगा जी, क्योंकि देखिए ये वाला माइनस फोर बड़ा है, तो आप लोग को माइनस वाला ये बड़ा आगा। उसके बाद क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस थ्री एक्स उसके बाद माइनस फाइव। अब बताइए आप लोगों को कितना बार में लगाना है, तो आप लोग बोलिएगा तीन बार में लगाइएगा, कितना बार में लगाइएगा, तो तीन बार में लगाइएगा, तो आप लोग को बन जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर
माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद हो जाएगा प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस क्या होगा, तो आप लोग बोलिएगा तीन होगा, क्या होगा जी, तीन होगा, प्लस यहाँ पे तीन हो जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पे करना है कि ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो इससे ये खत्म और ये भी खत्म हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होता है तो आपका आठ बचेगा। शेषफल क्या बचेगा जी, तो आप लोग बोलिएगा आठ बचेगा, ठीक है। चलिए जी यहाँ पे, चलिए सही है, ठीक है, थ्री एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक मिनट हम देखना चाहते हैं, यहाँ पे होगा माइनस फाइव माइनस, क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं, चलिए सही है, क्वेश्चन आपका सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग आपका क्वेश्चन नंबर तीन पे। क्वेश्चन नंबर तीन आप लोग को बोल रहा है कि टू एक्स माइनस, ये काफी इजी क्वेश्चन है तो आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए 2.3 में जो है कि प्लस माइनस का काफी ज्यादा खेल है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाने के कारण इधर उधर हो जाता है, जो कि आप लोग को यहाँ पे जो क्वेश्चन था माइनस फाइव था हमारे क्वेश्चन में, लेकिन आप लोग का क्वेश्चन में प्लस फाइव, तो आप लोग प्लस फाइव करके बनाइएगा तो आप लोग को आंसर एट आएगा, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ खाली प्लस करना है, उसके बाद आप लोग को कुछ नहीं करना, आप लोग क्वेश्चन में ही आप लोग को प्लस करना है, ठीक है। चलिए जी अगला हमारा क्वेश्चन है जी कि टू एक्स स्क्वायर, टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो देखिए इसको हम ये इस तरह से भी लिख सकते हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर उसके बाद प्लस टू, ये वाला भी हम बात लिख सकते हैं, उसके बाद आप भाग करिए, माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ठीक है जी, आप लोग इतना से आप लोग करिएगा। तो अब बताइए माइनस एक्स स्क्वायर बार में लगाएंगे तो ये बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो एक्स पर पावर फोर हो जाएगा, एक्स पर पावर फोर, उसके बाद क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो आप लोग बोलिएगा कितना होता है, तो माइनस टू एक्स होगा, क्या होगा, तो आप लोग बोलिएगा टू एक्स स्क्वायर, क्या होगा जी, तो टू एक्स स्क्वायर होगा, माइनस टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे माइनस है प्लस करना, प्लस से माइनस करना पड़ेगा, माइनस से प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, ये इससे खत्म हो जाएगा, तो आप लोग को अब बचेगा प्लस टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, प्लस सिक्स, ठीक है, इतना आप लोग को समीकरण बचा। अब बात करते हैं, अब माइनस दो बार में लगाते हैं, यदि हम लोग माइनस दो बार में लगाते हैं तो आप लोग को बन जाएगा टू एक्स स्क्वायर, ये वाला हो जाता है टू एक्स स्क्वायर, उसके बाद आप लोग को बन जाएगा ये माइनस चार, तो आप लोग को ये प्लस में है तो ये माइनस होगा, उसके बाद ये माइनस है तो ये प्लस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, ठीक है, ये इससे इससे खत्म हो जाएगा, उसके बाद माइनस पांच एक्स, माइनस पांच एक्स प्लस दस बन जाएगा, प्लस दस बन जाएगा, अब आप लोग को नहीं लगेगा, तो आपका ये शेषफल हो गया और ये आप लोग का भागफल हो गया। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग भी एक नंबर क्वेश्चन आप लोग से कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है जी। चलिए अब हम चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है कि आप लोग को पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए, भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, तो आप लोग का यहाँ भी आप लोग को भाग ही करना है, तो आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए तो आप लोग से पहला क्वेश्चन दूसरा नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं दूसरा का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। चलिए आपका क्वेश्चन है कि टी स्क्वायर माइनस थ्री से भाग करना है, टी स्क्वायर माइनस थ्री से भाग करना है, तो आप लोग लगाना है टू टी फोर माइनस प्लस थ्री टी क्यूब, उसके बाद माइनस टू टी स्क्वायर माइनस बारह, ठीक है जी। चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग को लगाना है दो बार में लगाना है, दो टी यानी कि टू टी स्क्वायर बार में लगाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे बन जाएगा कितना, तो यहाँ पे बन जाएगा टू टी फोर, उसके बाद हो जाएगा तीन दुनी छह टी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा छह टी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस होगा, चलिए यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है तो माइनस होगा, उसके बाद यहाँ माइनस है तो प्लस होगा, ठीक है जी। चलिए यहां से ये वाला खत्म हो जाएगा, आप लोग को बन जाएगा प्लस थ्री टी क्यू, प्लस माइनस माइनस होगा, उसके बाद बन जाएगा छह टी प्लस माइनस माइनस, तो आप लोग को बन जाएगा प्लस फोर टी स्क्वायर माइनस बारह। अब बात करते हैं हम लोग को प्लस तीन बार में लगाना है, ठीक है, तीन बार में यदि लगाते हैं हम लोग तो बन जाएगा यहाँ पे थ्री टी
थ्री टी बार में लगाना है ना, हाँ थ्री टी बार में लगाना है, तो आप लोग को बन जाएगा थ्री टी क्यू, उसके बाद प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहां हो जाएगा तीन तिहाई नो टी स्क्वायर, तीन तिहाई नो नो टी होगा सिर्फ, ठीक है नो टी। चलिए जी, तो आप लोग को बन जाएगा यहां पे, थोड़ा सा एक मिनट आप लोग रुकिए, नो टी ठीक है, टी स्क्वायर हो जाएगा ये टी क्यू, उसके बाद आप लोग को, हाँ आप लोग को प्लस माइनस माइनस होगा, आप लोग को बन जाएगा नो टी नो टी। तो चलिए आप लोग को आगे चलना है, आप लोग को ये वाला इससे खत्म हो जाएगा, आप लोग को ये खत्म हो जाएगा तो काट दीजिए, उसके बाद आप लोग को बचेगा यहां पे है प्लस फोर टी स्क्वायर माइनस नो टी माइनस बारह, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, सॉरी आप लोग से ये क्वेश्चन जो हमारे पास गलत लिखा गया था, ठीक है उसके लिए आप लोग से हम सॉरी मांगते हैं, आप लोग क्षमा कर दे, जो कि आप लोग को एक मिनट हम आप लोग को बेफिजूल खर्चा कर दिए, ठीक है लेकिन अब से आप लोग को ऐसा नहीं होना चाहिए, और हमें आप लोग से बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आप लोग हमें हम पे भरोसा करके ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है लेकिन आप लोग ध्यान से, आप लोग को ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस कर गया था, हमारा क्वेश्चन ये गलत हो गया था, ठीक है तो आप लोग से हमें उम्मीद है कि आप लोग माफ कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम हमारा जो भी क्वेश्चन है आप लोग को क्वेश्चन देखो, चलिए आपका क्वेश्चन फिर से लिखते हैं हम लोग, कि क्वेश्चन दूसरा है कि टी स्क्वायर माइनस थ्री, टी स्क्वायर माइनस थ्री से भाग करना है टू टी फोर, उसके बाद प्लस थ्री टी क्यू, प्लस थ्री टी क्यू माइनस टू टी स्क्वायर माइनस टू टी स्क्वायर, उसके बाद माइनस नाइन टी, उसके बाद माइनस बारह, माइनस बारह से भाग करना है, ठीक है जी। चलिए बात करते हैं हम लोग लगाते कितना बार में लगाते हैं हम लोग, तो टू टी स्क्वायर बार में लगाएंगे, टू टी स्क्वायर बार में लगाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा टू टी फोर, टू टी फोर उसके बाद बन जाएगा माइनस छ टी स्क्वायर, माइनस छ टी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, ये इससे खत्म हो जाएगा तो बन जाएगा ये प्लस थ्री टी क्यू माइनस, ये वाला कितना होगा प्लस माइनस माइनस, तो आप लोग को बन जाएगा फोर टी स्क्वायर, बन जाएगा प्लस फोर टी स्क्वायर माइनस नाइन टी माइनस बारह, माइनस बारह। अब बताइए आप लोग कितना बार में लगाइएगा, तो आप लोग बोलिएगा लगाइए आप लोग तीन बार में, ठीक है थ्री टी बार में लगाइएगा, थ्री टी बार में यदि आप लोग लगाइएगा तो बन जाएगा यहाँ पे थ्री टी स्क्वायर, यहाँ पे एक मिनट आप, हाँ थ्री टी क्यू बन जाएगा, उसके बाद प्लस प्लस माइनस माइनस होता है तो थ्री टी तीन तिहाई नो टी हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे प्लस नो टी, तो आप लोग को यहाँ से ये वाला खत्म हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे प्लस है, क्या होगा प्लस है यदि तो यहाँ पे माइनस ना होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इससे खत्म हो जाएगा और ये इससे खत्म हो जाएगा, तो आप लोगों को बनेगा फोर टी स्क्वायर माइनस, फोर टी स्क्वायर माइनस बारह, फोर टी स्क्वायर माइनस बारह। तो आप लोग यदि प्लस फोर बार में लगाइएगा, कितना बार में लगाइएगा तो फोर बार में लगाइएगा तो फोर टी स्क्वायर माइनस बारह बनेगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो आप लोग को ये आंसर होगा सही है, ये यानी कि आपका आंसर होगा हाँ, ठीक है जी। तो आप लोग का दो नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम लोग को सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि एक्स क्यू, आपका ये क्वेश्चन है जी कि एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स प्लस वन से भाग करना है, ठीक है जी। यहां पे करते हम लोग कि एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस वन से भाग करते हैं तो आप लोग को बनेगा या थ्री एक्स पर पावर फोर, उसके बाद प्लस फाइव एक्स क्यू माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, ठीक है जी। चलिए आपका ये क्वेश्चन सॉल्व करना है हम लोग को, तो आप लोग बताइए कितना बार में लगाते हैं, तो आप लोग बोलेगा कि थ्री एक्स स्क्वायर बार में लगाइएगा तो यहाँ पे बन जाएगा कितना, तो थ्री एक्स पर पावर फोर, थ्री एक्स पर पावर फोर, उसके बाद बन जाएगा थ्री एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स क्यू, यहाँ पे तीन तिहाई नो हो जाएगा, नो एक्स क्यू, नो एक्स क्यू, उसके बाद बन जाएगा ये
3x² प्लस 3x², ठीक है जी। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है माइनस होगा, प्लस है माइनस होगा। चलिए यहां से ये वाला खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 9 घटाइए तो 4x³ बचेगा, 4x³। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस दस एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 2, ठीक है जी, प्लस 2। तो आप बात करते हैं कितना बार में लगाइएगा, तो माइनस लगाइएगा माइनस फोर एक्स बार में लगाइएगा तो यहां पे बन जाएगा माइनस फोर एक्स क्यू। उसके बाद बन जाएगा ये 12x, माइनस 12x प्लस माइनस माइनस होता है, 12x स्क्वायर। उसके बाद कितना बनेगा तो आप लोग बोलिएगा, ये बन जाएगा प्लस माइनस माइनस -4x, ठीक है जी। चलिए यहाँ पे प्लस है, माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस है ना, ठीक है। चलिए ये वाला इससे खत्म हो जाएगा तो आप लोग को ये बन जाएगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, ठीक है। चलिए जी आगे करते हैं हम लोग, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे करना है प्लस, तो बताइए आप लोगों को कितना होगा प्लस माइनस माइनस, तो 2x² उसके बाद प्लस 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 6x + 2 + 2। तो आप लोग दो बार में लगाइएगा, कितना बार में लगाइएगा, प्लस दो बार में लगाइएगा तो आप लोग को बन जाएगा ये 2x² प्लस 6x, उसके बाद क्या होगा तो आप लोग बोलिएगा +2। तो यहाँ पे माइनस है, माइनस करेंगे यहाँ पे काट देंगे, सभी के सभी कट जाएगा तो आप लोग को बचेगा 0। तो ये भी आप लोग का आंसर होगा, हाँ ठीक है। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अब जितना भी क्वेश्चन है आगे कर चलते हैं हम लोग। चलिए जी आप लोग को आगे क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 3x पर पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के सभी अन्य सभी शून्यंक ज्ञात कीजिए, यदि इसके दो शून्यंक रूट 5/3 उसके बाद माइनस रूट 5/3 है, ठीक है। तो हम ये वाला बहुत ज्यादा सॉल्व करेंगे, उसके बाद जहां तक भाग देना होगा तो आप लोग खुद से भाग दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, ये जैसे यहाँ पे आप लोग को शून्यंक जो दिया गया है कि रूट -5/3 एक और माइनस, चलिए तो यहाँ पे आप लोग को लिखना है एक्स प्लस रूट 5/√3, उसके बाद आप लोग को बन जाएगा ये एक्स माइनस रूट 5/√3। तो बताइए आप लोग ये समीकरण, आप लोग को ये वाला फार्मूला याद होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है, तो आप लोग को लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 का मान होता है 5, रूट 5 का मान होता है 5 और रूट 3 का मान होता है 3, तो यहाँ पे आप लोग को बन जाएगा 3x² - 5। अब भाग करना है हम लोग को कि 3x² - 5 से आप लोग को भागफल कितना करना है जी, कि x³ माइनस 3x² प्लस x + 2। एक मिनट सॉरी, आप लोगों का क्वेश्चन है जी कि 3x पर पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। बताइए आप लोग ये क्वेश्चन आप लोग डील कर सकते हैं कि नहीं, तो आप लोग बोलेगा जी कर सकते हैं। आप लोग बताइए कितना बार में लगाइएगा, तो आप लोग बोलेगा कि लगाइए आप लोग कितना बार में, तो बोलेगा आप लोग कि 3x यहाँ पे कितना है, थोड़ा सा 3x पर पावर 4, ठीक है 3x पर पावर 4 लगाएंगे तो यहाँ पे करना हम लोग को x स्क्वायर बार में लगाते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x पर पावर 4, उसके बाद बन जाएगा माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे माइनस है प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, आप लोगों को बनेगा 6x³ प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा
प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस फाइव। बताइए आप लोग कितना बार में लगाइएगा, तो आप लोग बोलिएगा टू एक्स बार में लगाइए। कितना बार में लगाइएगा, टू एक्स बार में लगाइएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा छह एक्स क्यूब, तीन दूना ही छह होता है, छह एक्स क्यूब प्लस होगा माइनस, प्लस माइनस माइनस दस एक्स होगा, माइनस दस एक्स होगा। ठीक है जी, चलिए जी आप आगे चलते हैं। हम लोग का ये क्वेश्चन, ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये प्लस हो जाएगा, तो ये वाला भी खत्म हो जाएगा। अब बचेगा हमारे पास प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव। यदि एक बार में हम लोग लगाएंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव आप लोग को ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का क्या होगा शून्यांक बताइए आप लोग को। चलिए बताइए आप लोग, ये जो आपका भागफल आया है ये कौन सा फार्मूला को बिलोंग कर रहा है। तो आप लोग बोलिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर ये वाला फार्मूला प्रूव हो रहा होगा। तो आप लोग को ए प्लस, आप लोग को लिखना है एक्स प्लस वन, उसके बाद एक्स प्लस वन, तो आप लोग को दोनों हो जाएगा आंसर एक्स बराबर माइनस वन और एक्स बराबर माइनस वन। आप लोग को ये तीन नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर मिलता होगा माइनस वन माइनस वन। ठीक है चलिए, तो आप लोग को तीन नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम लोग चलते हैं फोर नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, आप लोग को फोर नंबर क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। फोर नंबर क्वेश्चन काफी इजी है, तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, उसके बाद आप लोग भागा खुद से दीजिएगा। ठीक है जी, देखिए यहाँ पे आप लोग को जो क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक्स क्यूब भाज बराबर फार्मूला आप लोग को पता होगा। भाज बराबर जो फार्मूला होता है जी, कि भाज बराबर होता है भाजक गुने भागफल, भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। ठीक है जी, तो आप लोग को भाग करना है यहाँ पे, सिंपल करना एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू माइनस टू एक्स प्लस फोर। आप लोग को ये वाला सॉल्व करिएगा तो बन जाएगा ये वाला, उसके बाद भाग करना एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू से भाग करिएगा तो आप लोग को बनेगा यहाँ पे एक्स क्यू, यहाँ पे एक्स क्यू, उसके बाद आप लोग को बन जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा, तो आप लोग बोलिएगा जी की प्लस थ्री एक्स माइनस टू होगा, माइनस टू से भाग करना है आप लोग को, एक्स माइनस टू से आप लोग को इतना भाग करिएगा तो आप लोग को जो भी आएगा आप लोग को आंसर मिल जाएगा। तो आप लोग से हमें उम्मीद है कि आप लोग को पॉलिनोमियल्स कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, तो आप लोग से आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पार्ट थ्री में।